कोविड की वजह से कोर्ट बंद थे, सब कुछ बंद थे, ये चैनल शुरू किया और आपको कहा था कि बहुत ही फैबुलस लोगों को लाऊंगा जिनसे हम कॉन्वर्सेशन करेंगे और वो इंस्पायरिंग है क्योंकि मल्टीपल डायमेंशन पे अच्छे काम करते हैं या किसी सब्जेक्ट पे विचारक हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, बात करते हैं, बिकॉज हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है स्पेशली उस समय क्योंकि क्राइसिस चल रहा था। आज मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे अद्भुत गेस्ट आ रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल फील्ड्स में लाइफ में सक्सेस पाई है। और इंसिडेंटली जब हमने पहले ये सेटअप किया था तो उस दिन थोड़ी उनकी तबीयत को कुछ इशू हो गए थे, तब हम सिर्फ बात कर रहे थे उन्होंने कि माइग्रेंट्स के लिए, हेल्थ के लिए कितना आउट ऑफ द वे जाके अपने पर्सनल एफर्ट्स से काम किया है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी इस दौरान कितने मील्स प्रोवाइड किए हैं, 8 मिलियन से ऊपर मील्स प्रोवाइड किए हैं, दैट इज 80 लाख मील्स, पीपीई किट्स करी हैं, वेंटिलेटर्स करे हैं, प्रोफेशन से वो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, बट जो उन्होंने काम किया वो रियल लाइफ हीरो का है। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ, उनको बुलाने लगा हूँ। और इंसिडेंटली आजकल क्योंकि बिहार से सेल्फ मेड लोगों की बात हो रही है, इंसिडेंटली वो बिहार में ही जन्मे थे। और मनीष जी थैंक यू फॉर एग्रीइंग टू डू दिस, एंड अब तो डायमेंशन भी बहुत बढ़ गए हैं हमारी कॉन्वर्सेशन के। जब आप पहले आ रहे थे तो आपको बिना किसी कॉन्ट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पूछे मैं बहुत सिंपल सिंपल डायमेंशन में करता, पर अब थोड़े डायमेंशन भी बढ़ गए हैं। तो मनीष जी पहले तो आप बिहार से हैं और बिहार से आने के बाद आप मूवी इंडस्ट्री में भी हैं, आप एक हाई लेवल प्रोफेशनल भी हैं, इतने बड़े आप अफ्रीका में प्लांट्स चला रहे हैं, कारोबार कर चला रहे हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में आपने काम किया है। पर सबसे अहम जो आपने जनता के लिए, जिसलिए मैंने कहा, टाइटल भी मैंने इस डिबेट का लगा कि रियल लाइफ हीरो हैं, कि आपने कोरोना वायरस में इतना अद्भुत काम किया और वो सारा हम डिस्कस करेंगे, बट आप ये समझ जाइए कि इतना अद्भुत काम है, पीपीई किट्स, वेंटिलेटर्स, फूड, अभी मैंने कल परसों भी ट्विटर पे देखा 11 लाख का आपने चेक इशू किया था, आई फॉरगॉटन किस इंस्टीट्यूशन को, बट टू सम इंस्टीट्यूशन के जहाँ पे लोगों को जरूरत थी। और ऐसे ही बहुत आपने हॉस्पिटल बेड्स प्रोवाइड किए हैं, तो बहुत काम किया है आपने। और जो हमें आजकल ज़रूरत है कि उस समय बहुत क्राइसिस आ रहा था, तो मनीष जी पहले तो ये आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने इतना कुछ किया, एंड सेकेंडली थैंक यू फॉर कमिंग इन। थैंक यू ईश्वर जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी, एंड आई विल टेल यू लाइक फ्रेंकली आई एम सुपर इम्प्रेस्ड विद द वे यू टेक योर फाइट्स एंड द इश्यूज व्हाट यू रेज, एंड आई हैव बीन फॉलोइंग यू एंड आई एम अ हार्ड फैन ऑफ योर्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फाइट्स, एंड माई सपोर्ट इज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। थैंक यू मनीष जी। मनीष जी आजकल मूवी बहुत चर्चा में है, पर वैसे आप मूवी से पहले ही सक्सेसफुल हो चुके थे जैसे आप बता रहे थे मुझे, तो आप सक्सेस के बाद मूवी बिजनेस में आए, पर मूवी बिजनेस में जब आप आए तो, और आप भी बिहार से हैं, कितना टफ है मूवी बिजनेस, क्योंकि आपने अवार्ड विनिंग मूवीज बनाई हैं, 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं पिछले 6 सालों में, जो एक अद्भुत परफॉर्मेंस है, और आपका सिनेमा बहुत इंटेलिजेंट सिनेमा जिसे बोलें, बहुत मीनिंगफुल सिनेमा है। तो और मैं आपको आप खुद ही बताएं पहली मूवी बनाने का आपका कैसे माइंडसेट बना और आपने क्या सब्जेक्ट्स चूज किए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और अब तो कमर्शियली भी सक्सेसफुल है। सबसे पहले तो मेरा सफर जो है फिल्मों में एक्चुअली ट्विटर से ही शुरू हुआ, सपना शुरू से था फिल्में बनाने का, और जब एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो गए और लगा कि हाँ फिल्में बना सकते हैं, बट सच तो ये था कि मुझे एक ही फिल्म बनानी थी और बकेट लिस्ट टिक करके आगे बढ़ना था। तो हमने पहली फिल्म बनाई थी आंखों देखी, रजत कपूर साहब ने डायरेक्ट करी थी और संजय मिश्रा उसमें लीड रोल में थे। ये एक्चुअली हमारा इंटरफेस ट्विटर से ही हुआ, मेरी कोई जान पहचान नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में, उस समय कोई जान पहचान नहीं थी। तो जब ट्विटर पे रजत कपूर ने ट्वीट किया कि मेरी कोई फिल्म बनाने वाला है नहीं और मुझे फिल्में बनानी बंद करनी पड़ेगी और मुझे लगता है थिएटर में जाना पड़ेगा, तो आई रिस्पॉन्डेड बैक सेइंग दैट लुक आई एम फैन ऑफ योर्स एंड योर सिनेमा एंड मैं आपके साथ फिल्म बनाना चाहूंगा। तो फिर इस तरीके से हम कनेक्ट हुए और फिर बात आगे बढ़ी और एंड दैट्स हाउ आंखों देखी हैपेंड। आंखों देखी कमर्शियली इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट क्रिटिकली इट वाज एक्लेम्ड एंड दैट गेव मी लॉट ऑफ मोटिवेशन। मुझे लगा कि ऐसा सिनेमा इंडिया में हिंदी फिल्म में खास करके बनना चाहिए, और इसलिए फिर हमने दृश्यम फिल्म्स का सेटअप किया, ऑर्गेनिकली हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और एक टीम खड़ी की बॉम्बे में, और फिर हमने दृश्यम फिल्म्स का स्ट्रक्चर सेटअप किया और वहां से फिर हमारी जर्नी शुरू हुई, जिसके बाद हमने सीरीज ऑफ फिल्म्स
उसके बाद हमारी फिल्म आई थी मसान, जो कि कैंस में गई थी, नीरज घेवान ने डायरेक्ट की थी और उसको भी नेशनल अवार्ड मिला था, वो हमारा पहला नेशनल अवार्ड था। उसके बाद फिल्म आई धनक, जो कि नागेश कपूर जी ने डायरेक्ट किया था, बच्चों की फिल्म थी, उसे भी नेशनल अवार्ड मिला, वो बर्लिन में अवार्ड जीती। और ऐसे करके फिर वेटिंग, अमरीका, वर्ल्ड सिनेमा में हमारा अच्छा स्कोप होने लगा, लोगों में एक उत्साह होने लगा कि हिंदी फिल्में भी अच्छी बन रही हैं। ऑलमोस्ट ऑल द टॉप एंड फिल्म फेस्टिवल्स में हमारी फिल्में गई और हमने हर फेस्टिवल में अवार्ड जीता है। हमारी लास्ट टू लास्ट फिल्म थी न्यूटन, जिसे भी नेशनल अवार्ड मिला था, और उसके पहले कड़वी हवा थी, जो नील माधव पांडा जी ने डायरेक्ट की थी, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। और न्यूटन तो इंडिया की एंट्री थी ऑस्कर में। उसके बाद अभी हमारे रिसेंटली कोरोना से पहले कामयाब हमने रिलीज करी थी, जो कि हमने रेड चिलीज के साथ जॉइंटली प्रोड्यूस करी और रिलीज करी, और ये हमारी फर्स्ट फिल्म थी रेड चिलीज के साथ पार्टनरशिप में, और आगे भी हम ये रिश्ता कायम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी सी शुरुआत करी थी, कमर्शियली इतने सक्सेसफुल नहीं हुए थे हम आंखों देखी से, बट देन मुझे ये समझ में आया कि एक प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए, एक स्ट्रक्चरल ऑफिस सेट करते हैं, और ताकि डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरीज टू द एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म, फिल्मिंग एंड एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म, ये तीनों चीज हम कर पाए और अच्छी फिल्में एट राइट बजट बना पाए। और ये हमें फिर दृश्य फिल्म से हमें ये सक्सेस मिली। लास्ट सिक्स ईयर्स में हमने करीब 10 फिल्में रिलीज करी हैं और उसमें से 8 क्रिटिकली एक्लेम्ड है, और हमने 4 नेशनल अवार्ड जीते हैं और कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं। ये हमारा सफर है मनीष जी। इतने से इंडस्ट्री में आके आपने कहा 6 साल में, क्योंकि मैं अभी लिस्ट देख ही रहा था, आंखों देखी 2014, मसान 2015, अमरीका 2015, वेटिंग 2015, धनक 2016, न्यूटन 2017, रुख 17, कड़ी हवा 17, काम, तो 6 साल में ये तो फिर आपने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, आई डू नॉट नो क्या करते हैं, बट दिस साउंड वेरी हैवी ड्यूटी एंड फुल टाइम कि आप 10 पिक्चरें, तो आप कितना खुद पर्सनली इन्वॉल्व हैं इसमें, या इट इज प्रोफेशनली मैनेज्ड एंड आप फाइनेंशियल सपोर्ट हैं, या आप खुद भी ध्यान देते हैं कि क्या स्टोरी आ रही है, क्या मूवी बन रही है, या यू आर जस्ट लाइट सुपरवाइजिंग और यू आर फुली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? नहीं नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो रहता है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज इम्पॉर्टेंट विद द ब्रांड विच आई एम एसोसिएटेड विद। दृश्यम का एक ब्रांड इमेज है और हम जो फिल्में बनाते हैं वो लीक से हटकर फिल्में होती है, मिडल ऑफ द रोड फिल्म होती है, तो हर फिल्म को फाइनली मैं सेलेक्ट करता हूँ एज फार एज कंटेंट इज कंसर्न। देन हमारी एक टीम है जो एक्चुअली सेलेक्ट करती है स्टोरीज को एंड देन फिल्टर करके हमारे पास आती है, और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो हमारी टीम करती है, बहुत ही प्रोफेशनली मैनेज्ड है। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि एक तो हम स्टोरी खुद डेवलप करते हैं, दूसरा नए फिल्मकारों के साथ काम करते हैं, तीसरा फिल्में जो हैं वो एक्टर्स को चूज करती है, ना कि हम पहले एक्टर्स को चूज करते हैं फिर फिल्म बनाते हैं। तो फिल्म खुद डिसाइड करती है कौन मेरा कैरेक्टर होगा, कहानी खुद निश्चय करती है कि कौन हमारा एक्टर होगा, और हम फिर उनको अप्रोच करते हैं, और इन सब की वजह से हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत मिनिमल होता है। द फोकस, अगर आप मुझे पूछे कौन सी ऐसी चीज है जो आपको लगातार गर्व महसूस करते हो आप दृश्य फिल्म, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है कि हमारी एक तो कहानी, वो मुख्य कलाकार होती है फिल्म में, कहानी जो कंटेंट होता है वो मुख्य कलाकार होता है हमारी फिल्म का, और उसके अलावा फिल्म हमारे राइट कॉस्ट पे बनती है, तो फाइनेंशियली वी मेक द फिल्म वेरी वायबल एंड फीजिबल, और उसके बाद उसकी स्टोरी जो है दिल को छूती है, और हमारी सारी फिल्में एक मतलब कि ऑलमोस्ट 6 फिल्में आउट ऑफ 10 और कल्ट स्टेज की फिल्म हो गई, मतलब लोग उनको देखते हैं और बार बार देखते हैं और पसंद करते हैं, और हमारा इस तरीके से व्यूअरशिप भी बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर के द होल एफर्ट वॉज ऑन कंटेंट एंड सिलेक्शन ऑफ कंटेंट इज माई प्राइम ऑब्जेक्टिव, ऑफकोर्स फंडिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट एंड सिलेक्शन ऑफ द की एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स इज वन ऑफ माई रोल, रेस्ट इज डन विद द टीम। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की कि आप ट्राई करते हैं कि न्यू कमर्स या फ्रेशर्स या जो लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे, जैसे आपने बोला आपने ट्विटर, और इंसिडेंटली मनीष जी ने अभी मुझे बताया कि वो ट्विटर पे मुझसे बहुत पहले हैं, आप सबसे बहुत पहले के हैं, आई थिंक ही सेड ही केम इन 2012 और 13, सो 2009, या ओके, मेरे ख्याल से तो सिर्फ लॉन्च ही हुआ होगा ट्विटर, कब लॉन्च हुआ? हां, 3 महीने हुए थे। ओ सी, तो मनीष जी इज अ अर्ली पायनियर इन ट्विटर, मे बी जैसे उनको पता था कि मूवी इंडस्ट्री बूम तो कर ही रही है कि ट्विटर भी इतना बूम करेगा, 2009 में तो दिमाग में ट्विटर था भी नहीं, मोस्ट लोगों के दिमाग में नहीं था,
मनीष जी, आपने एक इंटरेस्टिंग बात की जिसपे मैं आपको जानना चाहूंगा, क्योंकि बहुत टॉपिकल है आजकल, बहुत करंट है, कि आप फ्रेशर्स के साथ काम करते हैं, आप खुद भी इंडस्ट्री में फ्रेशर थे, तो आपको ये फ्रेशर से काम करना, वॉज इट अ बिजनेस डिसीजन कि आप जेंटली पानी के अंदर पैर डालें कि स्टार्स की एक इकोनॉमिक प्राइस है जो जस्टिफाइड है, वो फेयर है, उस पर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जो भी अच्छा काम करता है उसकी होती है, या इसलिए कि फ्रेशर्स के लिए स्टार से काम कर पाना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, सेकेंड ऑप्शन ये होती है, या थर्ड ऑप्शन ये है कि आपको लगा कि ये घुसने के लिए टू मच ऑफ अ लॉबी इज देयर, एंड आपको अगर अपनी स्पेस बनानी है तो इट हैज़ टू बी आर्टी एंड माइनर रादर देन टेकिंग अ कमर्शियल स्टेप वेरी सून. तो ये एंट्री पॉइंट पे, क्योंकि एंट्री पॉइंट पे बहुत बहस है, एंट्री पॉइंट पे सिचुएशन क्या थी आपके लिए? So when we say freshers, there are two tier freshers. When I say, एक तो क्या है कि director, director को भी क्या है कि आपको choose करना पड़ता है कि कौन सी कहानी जहन में लेकर के वो चल रहा है, दो तीन साल से उस कहानी पे काम कर रहा है, तो उसने सब कुछ लगाया हुआ होता है उस कहानी में. मसलन मसान, नीरज घेवान और वरुण ग्रोवर मसान के साथ 3 साल काम कर रहे थे उसके ऊपर, तो उन्होंने सब कुछ लगा रखा था अपना, और नीरज घेवान को एक ब्रेक चाहिए था कि कोई मुझे मेरी फिल्म प्रोड्यूस करे. तो जब हमने उनको उनके साथ मिले और ये पक्का किया कि हम मसान बना रहे हैं, तो ही वाज द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, बोथ वरुण ग्रोवर एंड नीरज, एंड दे डिड द बेस्ट. इफ यू सी द फिल्म, दे डिड द बेस्ट एंड द फिल्म वेंट ऑन टू अ नेक्स्ट लेवल. सो द रीजन वाज दैट वी गेव अ चांस टू नीरज घेवान, हु फॉर हुम इट वाज हिज ब्रेक, एंड उसी मसान में विकी कौशल था, तो इट वाज हिज फर्स्ट फिल्म. सो एंड विकी कौशल वाज अवेलेबल, सो इट वाज हिज लॉन्च फिल्म. So what I mean to say is then Vicky Kaushal became a different level of hero. So but at that point of time, we could get it. So ek to fresher from the point of view of directors and the story writers and the technicians, and fresher from the point of view of actors. So the actors ko lene ka saaf ye reason also tha ke commercial, of course, it becomes commercially viable to take better actors and freshers into the fray and make your film more financially feasible. That's one. And second, being a guy who is also, you know, coming from down to up, I always feel that everybody should get a chance. If somebody has the capacity and tenacity, usko chance milna chahiye. And what better than giving them chance to do what they want to do in life? If somebody wants to act and is struggling to act, and if the story feeds that same person, why not? Why we shouldn't try it? And probably we will give more variety to the Indian cinema, more actors to the Indian cinema, more technicians and more directors and more storytellers to the Indian cinema. And usse kya hoga, ek diversity aayegi, usse depth aayega Hindi cinema mein. Nahi to Hindi cinema jo hai, agar meri baat agar samajh paaye, Hindi cinema agar aaj jis prarup mein hai, jis structure mein hai, mujhe nahi lagta 8 se 10 saal se zyada chal payega, you know, kyunki ye pura ek prarup, ek business module ke roop mein chal raha hai ki ek वो बनाने से पहले देखते हैं कि हम कितना पैसा कमाएंगे और दर्शक को क्या फीड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा दर्शक 3 दिन में आ जाए. ये स्ट्रेटेजी कुछ दिनों के लिए फायदा पहुंचाती है, कुछ फिल्मों के लिए फायदा पहुंचाती है, लेकिन अधिकतर सिनेमा को मार देती है, अधिकतर कलाकारों को मार देती है. इसलिए क्या होता है कि देयर आर फ्यू पीपल चेसिंग फ्यू फिल्म्स, एंड दैट्स व्हाट वी डू इन अ ईयर एज फार एज हिंदी सिनेमा इज कंसर्न. और अगर हम नए लोगों को अंदर लेके आएंगे, नए कलाकारों के साथ काम करेंगे, नए स्टोरी टेलर्स के साथ काम करेंगे, तो डाइवर्सिटी आएगी, वैरायटी आएगी, स्टोरी में भी दम आएगा, और छोटे सिनेमा ही बड़े सिनेमा को जन्म देते हैं. तो छोटे सिनेमा, मिडल ऑफ द रोड और स्मॉल फिल्म्स को बनाना जरूरी है, सपोर्ट करना जरूरी है, जिससे हम बड़ा प्रारूप दे सकें, बड़ा स्ट्रक्चर दे सकें. इससे दो चीजें आती हैं दिमाग में जो आपने कही. पहली बात, जब आप फ्रेशर्स को ब्रेक देते हैं, जरूरी है, बहुत जरूरी है, पर ये अक्रॉस इंडस्ट्री, क्योंकि आप कॉर्पोरेट लीडर भी हैं, वहाँ पे भी आप कई बार जॉब देते होंगे. अच्छा एक मिनट, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में आप क्या करते हैं, जब अगर एक्सपीरियंस को हम अनिवार्य मानते हैं, ऑलमोस्ट कंपल्सरी मानते हैं, अगर हम अच्छी पोस्ट पे दे रहे हैं कॉर्पोरेट, जो लोग कहते हैं कि एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम करो मूवी बिजनेस में, रिस्क फैक्टर बहुत है. एडवांटेजेस के एक फर्स्ट टाइमर बहुत हंगरी होगा, अपना पूरा एफर्ट मारेगा. डिसएडवांटेज कैन बी आइदर इन कॉर्पोरेट और फॉर मी एज अ लॉयर व्हेन आई हायर पीपल फॉर माय फर्म और फॉर यू एज अ प्रोड्यूसर, कि कैन दे डिलीवर, आर दे गुड इनफ टू डिलीवर, बिकॉज आप एक अनटेस्टेड चीज पे जा रहे हो. सो हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बैलेंस
एक अनटेस्टेड आदमी को ब्रेक देना, बिकॉज सी एंड ऑफ द डे नोबल है टू गिव यंगस्टर्स चांसेस, बट यू आर ऑल्सो पुटिंग योर मनी इन. सो हाउ डू यू मेक अ कॉल कि इस बंदे को मैं ट्रस्ट करूं यंगस्टर्स में से या फ्रेशर्स में से, एज यंगस्टर इज अ रॉन्ग वर्ड, फ्रेशर में से इसको टेस्ट करूं या इसको टेस्ट करूं. तो व्हाट डज योर माइंडसेट इन जजिंग कि मैं इसको दूं या उसको दूं? इज इट अ सिस्टमैटिक अप्रोच, इंस्टिंक्टिव अप्रोच? व्हाट इज योर अप्रोच टू इट? या लेट्स टॉक ऑफ द कॉर्पोरेट साइड फर्स्ट. फॉर एग्जांपल, अगर हम टीम बिल्ड करते हैं इन एनी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, इट्स नॉट नेसेसरी एंड इट्स नॉट ऑल्सो प्रूडेंट कि हम सब एक्सपीरियंस लोगों को जमा कर लें, तो ऑल्सो हमारा टॉप हैवी हो जाएगा स्ट्रक्चर. सो वी हैव टू ऑलवेज हैव ए सिस्टमैटिक मेथडोलॉजी बाई विच न्यू एंट्रेंस कम एट द लोअर लेवल एज ट्रेनीज, एज असिस्टेंट मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स. They gain experience and they grow with the organization and reach to the middle tier or the top tier. And then they deliver because they have been working with the organization for like 6-7-8 saal. So, wo apna sab kuch us organization mein dekhte hain, uske saath grow ho rahe hain. While we also need experienced hands at the top to guide and work with the new entrants. You know, so there is a mix which is required, an optimum mix in any organization to grow. Same is with the Hindi cinema. ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ एक्सपीरियंस स्टार के साथ ही काम करके रिस्क फ्री काम कर सकते हैं. लगभग 99% ऑफ द मूवीज विच आर मेड इवन विद दोज एक्सपीरियंस स्टार्स डोंट मेक मनी. ओके, सो इन हिंदी सिनेमा स्पेसिफिकली, सो द रिस्क इज इवन मोर देयर बिकॉज यू नो फिल्म्स डोंट फेल, द बजट फेल्स, यू नो, सो एवरीबॉडी इज पेड बट यू डोंट गेट द मनी. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव वेरियस टीयर्स इवन इन फिल्म मेकिंग. देयर शुड बी न्यूकमर्स हु शुड बी गिवन a small budget to make the film where they prove the potentials and then they go and make bigger cinemas, bigger budget films. Like for example, Neeraj Ghewan hai aur Amit Masurkar hai ya koi bhi hamare jo dusre hai directors jinko humne first time chance diya ya second time hamare sath kaam kar rahe hain, wo ab badi filmein bana rahe hain. Theek hai, to ye ek important hota hai ki koi unko seedha koi 25 crore ya 50 crore ki budget ki film nahi dega. To isliye ye एक जो इकोसिस्टम है ये भी जरूरी है कि हम नीचे का जो पेडेस्टल है उसको स्ट्रॉन्ग करें, वहां पे हम ज्यादा डाइवर्सिटी लाएं, ज्यादा चांसेस लाएं जिससे नए लोग, नए विचार, नए आइडियाज फिल्म में आए और वो ग्रो करके फिर बिगर यू नो स्ट्रक्चर का रूप ले. सो दैट इज अबाउट ए कॉम्बिनेशन एंड ऑप्टिमम मिक्स. अब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एक फिल्म बनाई है राम प्रसाद की 13वीं. इसकी डायरेक्टर हैं सीमा पावा जी, जो वर्सेटाइल एक्टर हैं इस इंडस्ट्री में. मतलब हम लोग सीरियल में वो बड़की थी और उसके बाद से उन्होंने काफी फिल्म में काम किया है और अभी आंखों देखी में भी वो थी और काफी फिल्मों में उन्होंने काम किया है. उनकी ये पहली फिल्म है एज ए डायरेक्टर और राइटर, ठीक है. और हमको जब उन्होंने स्टोरी सुनाई हमें तो बहुत पसंद आई दृश्यम टीम को. एक्चुअली हमने उनको सुना था, एक इंटरव्यू राउंड टेबल इंटरव्यू करते हैं, एक पत्रकार हैं वो राउंड टेबल इंटरव्यू करते हैं सारे कलाकारों का. तो उनसे पूछा गया कि आपके पास क्या है नया, तो उन्होंने बोला मैं एक स्टोरी लेके घूम रही हूँ, 3 साल से कोई बनाने वाला नहीं है. तो हमारी टीम ने वो इंटरव्यू देखा तो तब हमने उनको फोन किया कि आपके पास स्टोरी आप आए, हम आपको चांस देंगे. एंड दैट्स हाउ राम प्रसाद की 13वीं हैपेंड. सो शी इज अ फर्स्ट टाइम राइटर डायरेक्टर. बट जो कास्ट है हमारा उसमें नसरुद्दीन शाह से लेकर के सारे कलाकार हैं. So what I mean to say is an optimum mix balance between experienced actors and the first time filmmaker. And that's what Hindi cinema needs. Ki ek support mile. Ab wo tayyar apni second film likh chuki hai wo. As soon as we release the Ram Prasad ki 13vi, probably she will get a bigger project and probably she will be into the system to make new films and bigger films and better films and or maybe much higher films. Or she may continue making small films which we have been making. What I mean to say is, ये optimum mix जरूरी है, even for corporate world and even for Hindi cinema world to grow and to be healthy and to be sustainable. नहीं तो top heavy होगा, तो वो lobby और वो जो word आप nepotism या जो भी बोल रहे हैं, वो सारा कुछ politics सब जगह जो होता है वो शुरू हो जाएगा. And then there will be sharing and you know amongst the people, and then everybody at the lower tier will feel cheated. Something, you know, you're giving so much interesting thing because see, perception of somebody outside Bollywood would be ke writer is at the lowest end. Wo jis tarah movies mein bhi dikhate hain ke wo bichara ja ke stories leke jata hai ke bhaiya koi movie bana lo. Aur aapne bola ke aapne ek interview dekh ke, aapne means aapki team,
ने इंटरव्यू देख के रीच आउट किया, तो हाउ टिपिकल इज दैट बिहेवियर? और इज इट बिकॉज यू आर अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इज वर्क्ड अब्रॉड? अब्रॉड ये बहुत कॉमन है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, देयर इज नो हायरार्की इन दैट सेंस. आई वर्क विद अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स अब्रॉड, माइंडसेट इज वेरी डिफरेंट. हायरार्कियल इतना नहीं है. इफ दे लाइक समथिंग दे कैन कम एंड से ओ आई लव दिस आइडिया, कम अप विद अ प्रपोजल. बॉलीवुड में कितना है ये आई लाइक दिस आइडिया, वर्क ऑन इट, कम अप विद अ प्रपोजल, या ये एक बहुत स्ट्रक्चरल हायरार्की है एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम के भैया मैं अगर प्रोड्यूसर हूँ, मैं मनी वाला हूँ तो तुम आओगे, मैं ये हूँ तो तुम आओगे. आपका बिहेवियर ये टिपिकल है, अटिपिकल है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, the result says it all. See, if you have the other approach where कि मेरे पास आओ, मैं डिसाइड करूंगा, मेरे हिसाब से कहानी बनेगी, then वो कहानी लचरी होगी. हो सकता है सक्सेस मिल जाए. सी, मनी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज पैसा तो कोई भी स्क्रीन देखने के लिए, किसी भी फेस को देखने के लिए चले जाते हैं, बट स्टोरी में दम होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, राइट कंटेंट. न्यूअर आइडियाज जो हैं, स्पेशली हिंदी मूवीज में, मैं आपको बता देता हूँ, फ्रेश आइडियाज नए लोगों के पास हैं, पुराने लोगों के पास फ्रेश आइडियाज नहीं है, बिकॉज दे डोंट री इन्वेंट देमसेल्व्स. यू नो, दे वंस दे बिकम स्टार, वंस दे बिकम, वेदर इट इज टेक्नीशियन, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, दे हैव देयर ओन स्टार वैल्यू. वंस दे बिकम स्टार, दे डोंट वॉन्ट टू रीइन्वेंट देमसेल्व्स. दे फील एक बार सक्सेस मिल गई है तो यही फॉर्मूला चलेगा और मैं ही सही हूँ. So then what happens, once you stop reinventing yourself, you stop experimenting. And when you stop experimenting or putting in 100%, then you don't get the content what we want. So it's very important to have that approach where you keep your eyes and ears open across the industry, look for people who are ready to write something interesting, who are ready with something interesting, want to direct something interesting, or who are ready to take up challenges as an actor, who want to do and experiment something or reinvent themselves. And there are many. और अगर हम इस पे कान और आंखें खुली रखेंगे तो टॉप फ्लैट अप्रोच रखेंगे तो हमें वो मिलते हैं, और वो लोग मिलते हैं जिनके पास अच्छी कहानियां होती हैं, कुछ कहना चाहते हैं और काफी सालों से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनका उनकी जान लगी होती है उन कहानियों में, दिन रात सोते उठते वो कहानियों को देखते हैं स्क्रीन पे सम, तो वो अपनी जान लगाते हैं और वो सब कुछ वो डिलीवर करके देते हैं जो एक क्वालिटी सिनेमा में देता है. तो होता क्या है कि अगर हम 3-4-5 crore की भी फिल्म बनाते हैं तो उसकी वैल्यू जो है 8-10 crore लगती है, क्योंकि वो सब कुछ लगता है उसमें, जो प्रिपेयरनेस होती है, सालों साल की मेहनत होती है. तो इट्स वेरी सिंपल, द रिजल्ट स्पीक्स अबाउट द अप्रोच. एंड एज यू सेड, अप्रोच हैज टू बी एनीवेयर इफ यू आर इन लाइफ, वेदर यू आर अ लॉयर, whether you're a corporate citizen, whether you're a corporate leader, or whether you're in film industry, you have to keep your eyes and ears open onto the ground. Zameeni hakikat pe agar aap jude rahenge, to aapko sahi content aur sahi kahaniyan milti rahengi aur sahi log milte rahenge. In fact, in today's world, I believe it is not the big eating the small, it's very often the fast eating the slow. Kyunki itni fast koi technological change aa jati hai. Example, aaj Hindi cinema, aaj phir bhi utna nahi kar raha, par shayad karega, is competing on Netflix or Amazon or so many others with cinemas from Middle East, with cinema from Russia, with cinema from there. Aur wo future hai ki aapko ab compete sirf Indian industry se nahi karna hai aapko. Exactly. I was seeing that day Netflix pe top 10 trending mein India mein, agar aap TV on kare, 3 or 4 the jinme na English hai na Hindi hai. Exactly. Sab titles chal rahe the. So the exactly. competition is becoming global now and on these platforms. But जो आपने एक बात बोली कि top heavy करके big star पहले 3 दिन सारी movie आप hit कर लो, और because पहले 3 दिन star की curiosity value या drawing power इतनी है कि story जो भी हो लोग जाएंगे देखने, उसके अंदर ही top heavy करके 3 दिन में कमा के पैसा निकल जाओ, 4 दिन में निकल जाओ और बाद में जो मर्जी हो, versus फोकस ऑन स्टोरी के लंबी चले. पर उसमें आपको ये एग्जीबिशन में कितनी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है, जो अभी यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे रादर, कंगना रनौत गेव अ इंटरव्यू सेइंग के मूवी रिलीज करने में इश्यूज हैं, मैं कर लेती हूँ, एक्स वाई जेड क्यों नहीं कर पाता, मैं नाम नहीं लूंगा, या ये क्यों नहीं होता. सो हाउ डिफिकल्ट डू यू फाइंड इज इट व्हेन यू आर अ न्यू कमर टू द इंडस्ट्री, ये एग्जीबिशन ऑफ मूवी इज, हाउ डिफिकल्ट इज इट? It's difficult. Simple answer is it's difficult. But क्या हुआ कि जब हम आंखों देखी से शुरू किया तो बहुत तकलीफें आई. एग्जीबिशन कोई हमें जानता ही नहीं था, हमने फिल्म बना ली, हम 8 महीने बैठे रहे फिल्म के साथ, फिल्म पता ही नहीं कैसे रिलीज करें, कोई मिल नहीं रहा था हमें रिलीज करें, हम किसी को नहीं जानते थे. बट देन एक PVR है वो आए बोर्ड पे, एंड देन वी कुड रिलीज इट.
टू द पॉइंट वेयर कामयाब जब हमने रेज की, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ योर ऑब्जेक्टिव एंड देन रास्ते बनते हैं. अब कामयाब हमारे पास फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड हम बॉम्बे जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल उसमें सेलेक्ट हुई थी, वहां पर हम शो कर रहे थे. रेड चिलीज के सीईओ ने, ही हैपेंड टू सी दैट फिल्म एंड ही वाज सो इंप्रेस्ड विद दैट फिल्म दैट ही देन पुट इट टू एसआरके एंड शाहरुख खान ने भी वो फिल्म देखी एंड दे वर सो हैप्पी विद द फिल्म दैट दे केम ऑन बोर्ड एज को प्रोड्यूसर्स एंड दे रिलीज द फिल्म एंड वी गॉट सम वन ऑफ द हाईएस्ट यू नो एग्जीबिशन एज फार एज आवर फिल्म इज कंसर्न्ड आफ्टर न्यूटन. सेम इज द स्टोरी विद न्यूटन. जब हम न्यूटन बनाई थी उस फिल्म को कलर येलो ने देखा और फिर उन्होंने बहुत पसंद किया और बोले कि हम पार्टनर आएंगे एंड वी विल रिलीज द फिल्म. इरोज और कलर येलो ने मिलके वो फिल्म हमारे साथ रिलीज करी और कम से कम 400 या 600 थिएटर में वो फिल्म रिलीज हुई. द पॉइंट आई वांट टू से इज दैट वन वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट एंड कंसिस्टेंसी. रस्ते बनते हैं, फिल्म की एक जर्नी होती है. फिल्म अगर बहुत अच्छी है तो रस्ते बनते हैं और आपको एग्जीबिशन का भी चांस मिलता है. बट कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो फिर हम एग्जीबिशन को दोष नहीं दे सकते. दैट्स वन पार्ट. सेकंड इज ऑफकोर्स विद ओटीटी कमिंग इन, एज यू गिव द एग्जांपल ऑन नेटफ्लिक्स, द बेस्ट थिंग इज यू हैव द वर्ल्ड एज योर थिएटर. कामयाब के साथ ऐसा हुआ कि 3 दिन रिलीज हुई, 4th दिन से कोविड के वजह से सिनेमा हॉल बंद होने लगे मार्च में. तो बट हमने फिर नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई थी, तो जब नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई तो कामयाब को इतना ज्यादा प्यार मिला, इतना ज्यादा दर्शकों का प्यार मिला कि वो कई दिनों तक वो ट्रेंड करती रही वर्ल्ड ओवर नेटफ्लिक्स में. एंड नेटफ्लिक्स वाज सो इंप्रेस्ड विद दैट वी हैव डन अ सेपरेट अरेंजमेंट विद नेटफ्लिक्स नाउ फॉर आवर फ्यूचर मूवीज. द पॉइंट आई वांट टू से इज दैट इफ वी आर कंसिस्टेंट एंड इफ वी आर कंसिस्टेंट विद द कंटेंट एंड अ सिंसियर विद अप्रोच, रस्ते बनते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं बनते, बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे. तो somebody who can make one film and come and say कि मुझे बिल्कुल सब रास्ता क्लियर मिल जाए, तो ऐसा कोई इंडस्ट्री में नहीं होता, right? But if you're consistent, people respect you, people will pave way for you, and your brand will create that image that people will get associated with you. So today we are associated with bigger brands, we are making more films, and we have a channel. And if you continuously make, then you have these platforms, OTT platforms, who are ready to even take your things forward, fund you and make your movie worldwide release, where millions of people can watch it. So that's the point I want to say, that of course there is a problem in exhibition because the number of screens in India are less. If you compare to China, which is our next comparison in terms of population, we are almost same as China, and we have hardly 7,000, 8,000 screens across the country. China would have 80,000 screens. So when the number of screens per population is less, of course there will be fight for the screen space, and that's where the whole problem is. So government also needs to play a role where they remove all the legal hassles to set up a screen, right? So there are a lot of legal hassles where number of screens can't increase, but what I'm saying is that if we focus as a country in increasing the number of screens at the level of China, if not 80,000, at least 30,000, you can imagine there will be no dearth of screens. लोगों को बहुत स्क्रीन्स मिलेंगे, बहुत स्पेस मिलेगा. This is very interesting जो आप बोल रहे हो, and this is frankly something beyond my knowledge. कि इंडिया में आप बोल रहे हो स्क्रीन्स का, मैं हमारा तो एक मूवी क्रेजी नेशन है. हमारे पास ज्यादा स्क्रीन है. क्यों? What is the? Have you applied your mind to it? कि क्या प्रॉब्लम है? I'll tell you. There is a government regulation. बहुत सारे legalities हैं नए स्क्रीन ओपन करने में. कुछ Indian Telegraph Act and cinema. I don't know, because you'll have to look into that. But there is some old act which prevents setting up of the screens, okay, up to a certain number, which should be freed. What I'm saying is, I'll give you an example. Anji. With the size of the televisions in each home increasing, and the space increasing, the music, each home can become a theater, a possible theater. Jaise Ola Uber hote hain, you don't own, you can create those market, you know. There was no Ola Uber 10 years back or 7 years back. But when they came in, you can see a lot of taxis, availability of taxis become easier. People are using, and I think hundreds and thousands of cars have come on road as taxis. The same is case with screen. You can contract it and have less number of screens, less number of people go to the cinema. But if you increase the density of the screen, the more and more people will go to the cinema, and more people will try and enjoy the larger screen.
So you can see it, and I can send you the data offline when we get out, that almost 80,000 plus screens are there in China. And that's the reason why a film like Aamir Khan ki aap 3-4 film le lijiye from Three Idiots onwards are doing more than 10-15 times of business what they did in India. In China they have done. So aapke hisab se demand is not the problem, red tapism is the problem. It's not a demand problem. नहीं, डिमांड का क्या हुआ है कि बिकॉज कंटिन्यूअसली यू फीड मसाला मूवीज, तो लोगों का भ्रम उठ गया है एक तो कंटेंट से. सो द पीपल डोंट बिलीव, दे डोंट गो टू सिनेमा टिल दे वुड हैव स्पेंट अ वीक पीपल हियरिंग और माउथ वर्ड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी या रिव्यूज देख लें एंड ऑल दोस थिंग्स. सो पीपल, देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट फ्रॉम द फिल्म मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज वो थिएटर में जाने से पहले वो इतना ज्यादा एड कैंपेन है, इतना ज्यादा वो बना देते हैं फिल्म का कि एक्सपेक्टेशन कुछ और लेवल पे होती है, और जब वो जाते हैं दे फील दैट दे हैव बीन चीटेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंटेंट. सो दैट ट्रस्ट डेफिसिट इज देयर व्हिच इज विथड्रॉइंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग इनटू थिएटर. दे वुड रादर वेट फॉर द फिल्म टू बी रिव्यूड टॉक्ड अबाउट देन गो टू द सिनेमा. देन ऑफ कोर्स द कॉस्ट व्हिच इज वेरी हाई इन एज कंपेयर टू नॉर्मल थिएटर गोइंग कंट्रीज लाइक चाइना और एक्सेट्रा. एंड थर्ड इज द डेंसिटी, कि घर घर के मतलब थोड़ा दूर जाना पड़ता है, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. इट टेक्स, पीपल डोंट वांट टू गो एंड पीपल डोंट वांट टू शिफ्ट. सो द डेंसिटी ऑफ द स्क्रीन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द नंबर ऑफ पीपल गोइंग. एंड फोर्थ ऑफ कोर्स, इफ योर कंटेंट इज नॉट गुड एंड यू कैन गेट वर्ल्ड क्लास कंटेंट ऑन ओटीटी, पीपल वुड रादर हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ 250 rupees फॉर एन ओटीटी एंड वॉच हंड्रेड्स ऑफ मूवीज देयर देन गोइंग फॉर अ सिनेमा वेयर यू हैव स्पेंट 1,000 rupees पर पर्सन. So, and here's an example which I'll give you again, though you didn't ask me. I'll give you an example of children films, you know. Aap dekh lo, bachon ki film mein ab nazara hai Hindi cinema mein. Banti nahi hai. Kyunki sari children films ab Hollywood ki banti hai, jo hamare jo generation aa rahi hai, wo unko dekhti hai. Hamari generation ko agar aap Hindi mein agar bachon ki film bana ke de do, to wo dekhne ko tayyar nahi hai. And as a result, हिंदी फिल्मों में बच्चों की फिल्में बननी बंद हो गई. सेम विल हैपन एट द अपर क्रेसेंट आल्सो. 10 इयर्स डाउन द लाइन, दिस जनरेशन व्हेन दे ग्रो अप इन 10 इयर्स 12 इयर्स, दे वुड वॉच हिंदी फिल्म. दे वुड बी ऑलरेडी बी द कस्टमर्स ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स एंड दे विल ग्रेजुएट इनटू द हॉलीवुड फिल्म्स, इन द इंग्लिश फिल्म्स और एनी अदर लैंग्वेज फिल्म व्हिच दे वुड लाइक, बिकॉज़ दे हैव ऑप्शंस इन देयर हैंड. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, कि इफ यू डोंट चैलेंज एंड एक्सपेरिमेंट विद द कंटेंट इन हिंदी सिनेमा. एंड यू सी South Indian cinema, they are doing good. Tamil cinema, Kerala cinema, they are experimenting with the content challenges, reinventing themselves, and you can see they have wide collection in box office also. They run the movies even weeks together, even still, and also have a craze, cinema going people, and they also have a hit on OTT with people who don't understand like us. Manish ji, but is it a problem of budgets? Because if you watch Hollywood ki movies, bhi dekhein, all these, सुपर हीरो मूवीज, नॉट अ क्या है वो, ऑल दी सुपर हीरो मूवीज, आई एम वेरी एक्समैन एंड अदर्स, सॉरी आई एम नॉट अ बिग मूवी वॉचर, बट जो ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर वेरी फेमस कैरेक्टर, ही इज इन वन ऑफ दीज. सो ऑल दीज मूवीज, बिकॉज द साइफाई एंड इफेक्ट्स आर सो गुड, विच फ्रेंकली द बजट्स इन इंडिया कैन नॉट मैच. सो यू थिंक इज, डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ टेक एजिंग आउट कंटेंट, in the sense that all these superhero movies which come and which become hugely grossing movies in the West and big in India also, you have lines and a lot of my friends are, you know, talking about all these people watching all these movies. Is it technology to a degree cutting out content, because that level of technology would be prohibitively expensive, and unless you have a global audience, it will not really, as you said, make money, because production values would be higher. So, आपको क्या लग रहा है? Content is edging out or technology is edging out regional cinema or national cinemas? It's a cat and mouse story. ठीक है? It's a vicious circle. Content of course is important, because हम अगर 20 आप example ले लीजिए French cinema का या Iranian cinema का ले लीजिए. Iranian cinema भले वो 10 मूवी बनाते हैं साल की, बट ऑलमोस्ट एवरी इंटरनेशनल फिल्म मार्केट लुक्स फॉर दैट. दे आर इन ऑलमोस्ट ऑल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स एंड दे डू मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस. और उनकी अगर आप
तकनीक में देखेंगे या इन्वेस्टमेंट्स में देखेंगे, दे आर नॉट मोर देन $1 million, $2 million मूवीज। ठीक है, मैं एक फिल्म का नाम नहीं लूंगा, 2 साल पहले आई थी, लेबनीज फिल्म है, $2 million में बनी है, वर्ल्ड वाइड $70 million उन्होंने बिजनेस किया है। सो व्हाट आई एम सेइंग, 2 मिलियन इज लाइक 15 करोड़, राइट? सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे, 10-15-20 करोड़ से ज्यादा नहीं चाहिए होता आपको अच्छा कंटेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए, राइट? ठीक है, आप $1 billion टर्नओवर नहीं करेंगे, इट्स फाइन, बट आप $10 million, $15 million, $100 million करेंगे, $100 million इज 700 करोड़। बट हमारा क्या है कि हम खुश हो जाते हैं कि 50 करोड़ कर लिया क्या एक वीक में इंडिया में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इज हाउ मेनी मूवी सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड योर फिल्म इज रिलीज, हाउ मेनी पीपल इंटरनेशनल इज वेटिंग फॉर योर काइंड ऑफ सिनेमा, एंड वॉट यू डू वर्ल्ड वाइड इज वॉट विल ग्रो योर मार्केट, राइट? एंड इफ यू कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ मूवीज फ्रॉम इंडिया, what happens then, international investors who are investing in Hollywood movies will also look here, look towards India, ki are yahan chalte hain, yahan pe content hai, let's invest, these guys need money, we'll invest, we'll partner and make these small stories bigger, and that's how the investments would come in, right? So it's like we have to be consistent with the content on one hand and create an environment by which we challenge the investors globally. आज क्या होता है, as आत्मनिर्भर भारत आप चैलेंज कर रहे हो ना इन्वेस्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, whether it is technology, whether it's sciences, medical life sciences or innovations or phones or any heavy chemicals or anything, you bring in investors from outside. Same is for the film industry. So if you develop content and make it very interesting, international investors would come here and invest. We have international studios like Fox, Star and all those international studios coming, but what we have turned them into making masala movies. ये आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत बहुत डिफरेंट बट कंटेंट एग्जांपल दूंगा। जब मैंने यूट्यूब शुरू किया तो लॉकडाउन था, घर में कुछ बाहर से सामान नहीं आ रहा था, एंड आई एम नॉट अ वेरी टेक फ्रेंडली पर्सन, तो आई थॉट कि चलो अच्छे लोगों से कॉन्वर्सेशन करूँ, जैसे मैंने आपको रीच आउट किया कि लेट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं और अब आपके अच्छे काम पे आएंगे इसके बाद। तो मेरे को जब मैंने शुरू किया तो मुझे 2-4 दोस्तों ने जो बहुत टेक सेवी हैं बोला कि भाई तू तो ये ढाबे की प्रोडक्शन तो मत कर, एक कान में तार लगाई हुई है, अपना पुराना सा लैपटॉप लेके बैठा हुआ है, थोड़ा साउंड प्रूफिंग कर, थोड़ा माइक लेके आ, तो ये देख ये होता है वो होता है। तो आई टोल्ड देम, मैंने कहा एक बात बताओ, मेरा कोई ये काम तो है नहीं, कोर्ट खुल जाएगा, हम कल फिर कोर्ट में बैठे होंगे, अब अर्जेंट हियरिंग शुरू होगी, उस समय अर्जेंट हियरिंग्स भी बहुत नहीं। तो मैंने कहा कि ये जो मैं तुम सामान पैराफिनिडिया बोल रहे हो, मेरे घर वाले हफ्ता तो कोई घर में सामान नहीं आने दे रहे, तो मैं जब तक ऑर्डर करूंगा, और कोई भी जो साउंड प्रूफिंग करने रूम आएगा वो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं हो रहा घर में बाहर से आना बंदा, दिस इज पीक आई एम टॉकिंग अबाउट। तो अगर आपका कंटेंट अच्छा है शायद लोग सुनेंगे, जुड़ेंगे, और इतने लोग जुड़े सुनी गए, और यूट्यूब चैनल लोग जुड़ी गए, अच्छे अच्छे लोग आई गए जिन्होंने टाइम दिया, बाकी दिन मैंने मोनोलॉग किया। सो आई डू एग्री विद यू कि कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट production values are also how would you rate how important are production values, aur ye main apne swarth ke liye puch raha hu ki how important are production values vis-a-vis the content values, how would you rate it, and iske baad main seedha aapse thodi 2-3 baatein karunga jo aapne adbhut kaam kiya uske upar. See, it's very important, content ke alawa production value very important, because world over na jab aap koi aapka agar France mein ya America mein ya Europe mein koi bhi country mein aapka cinema dekhne jayega तो उसको कुछ वैल्यू दिखनी चाहिए उसमें, राइट? उसमें कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के अलावा वैल्यू भी दिखना चाहिए। सो प्रोडक्शन वैल्यू हैज एन इंपॉर्टेंस टू अट्रैक्ट ऑडियंसेस, राइट? बिकॉज लार्जर देन लाइफ को देखने आप जाते हो सिनेमा हॉल में, राइट? यू डोंट रियली गो टू सी यू नो समथिंग व्हिच इज मंडेन और व्हिच यू सी कि हमें लगता है रोजमर्रा में देख रहे हैं, कुछ क्लासिक होना चाहिए, सम प्रोडक्शन वैल्यूज आल्सो देयर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हेन यू विल मेक 10 गुड सिनेमा and attract investors, investors will come in, and you'll be surprised to know that most of the techniques of VFX, visual effects, what you see in Hollywood cinema are made in Indian workshops. Yeah, Hyderabad mein, Bombay mein, Chennai mein, in sab jagah jo centers lage hue hain, visual effects centers lage hue hain, back offices lage hue hain, they do these visual effects, you know. So it's not that the technicians, जो बेसिक कोर टेक्नीशियंस हैं वो तो इंडियंस हैं, ठीक है, द डिजाइनर्स एंड द प्लानर्स एंड द एग्जीक्यूशनर्स आर फ्रॉम हॉलीवुड, बट जो काम करते हैं जमीनी तौर पे, जो उसको क्रियान्वय करते हैं वो तो इंडियंस ही हैं,
right? So people will come here and invest into the production value and the larger content movies. But पहले हम 2 million, 3 million, 4 million, $5 million की movies जो हम खुद बना सकते हैं, वो तो हम बनाना शुरू करें जो worldwide appeal करे. आज 30 साल हो गए हम Cannes Film Festival में या Oscar nomination हमारी film को मतलब नहीं मिल सके. मतलब एक example अब Parasite के ले लो इस साल का. Was a movie made in like less than $5-7 million. I don't know the exact, but not more than $5-7 million. That movie got 4 or 5 Oscars. Internationally, it would have collected more than $120 million grossing, right? And it's a Korean movie, right? Okay. We can't make one such movie and then we expect ki hamare paas investments bhi aayega aur hum broke. So it's a cat and mouse story, and it's a challenge on all of us, not only just Hindi movie. It's across India that we make so many, so large number of movies that we also focus on content and deliver something spectacular, and so that world looks at us and gives us chance to invest and grow as what Hollywood has done. And Hollywood movies, if I'm not wrong, more than $30-40 billion worldwide they gross up in a year, right? Which is huge number. So it's a great investment into an industry. We are looking at the market space, we are looking at, but hum dhyan nahi de rahe. Hum sirf wo is week mein 30 crore ho gaya kya hai, us week mein 40 crore ho gaya kya, us pe dhyan dete hain. To result bhi waise choti soch hogi to choti delivery hogi. Manish ji, ab jaise aapne delivery ki baat kahi aur aap petrochemicals mein main dekh raha tha aap hain, aur ye market mein jo mere frankly I noticed कि आप इतना अच्छा काम कर रहे थे ट्विटर पर, उसके बाद मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया, बिकॉज आप बहुत अच्छा, वन गेट्स इंस्पायर्ड बाय सीइंग ग्रेट पीपल लाइक यू डूइंग ग्रेट थिंग्स. कि आपने जैसे बताया 3-4 दिन बाद मूवी सिनेमा में उतर गई, इंडस्ट्रीज भी, आई डोंट नो अफ्रीका में क्या हाल है, इंडिया में तो सारी इंडस्ट्रीज बंद थी, तो जिसका जितना बड़ा इकोनॉमिक साइकिल है उसको इतना इकोनॉमिक ड्यूरेस है. तो उस इकोनॉमिक ड्यूरेस में, और मेरे बहुत क्लाइंट्स हैं हु आर फीलिंग, गुड बिजनेसेस आर फीलिंग अ लॉट ऑफ क्रंच बिकॉज ऑफ बैंकिंग इश्यूज एंड एक्सपोर्ट लॉट ऑफ इश्यूज एज यू नो आप जा. तो उस टाइम्स में आपने पहल की, आपने एक स्टेप लिया कि माइग्रेंट्स की हेल्प की जाए, हेल्थ के लिए इन्वेस्ट किया जाए. व्हाट इज ये आपके दिमाग में किस दिन सोच आई, और आपने पहला स्टेप, फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन क्या किया इसके अंदर? सी फिलॉसफी तो शुरू से ही मेरी ये रही है कि भगवान ने अगर आपको चुना है जरूरत से ज्यादा सामर्थ्य देने का, तो एक रीजन होता है उसके पीछे. वो मतलब अगर मेरी जरूरत 100 रुपए और मुझे अगर 1000 रुपए मिल रहे हैं, तो एक फिलॉसफी है मेरी कि दैट फोर्स दैट भगवान आपको कह रहा है कि वो जो बाकी के जो 900 रुपए हैं वो आप कहीं और लगाएं आप, क्योंकि भगवान तो उतरेगा नहीं धरती पर, राइट? सो भगवान कीप्स लुकिंग फॉर दोज गुड पीपल हु कैन अर्न rightfully and spend rightfully onto the needy, and that's the philosophy which we have imbibed from our parents. Maa baap ne hamesha hame yahi sikhaya hai ki dusron ka bhala karo, jitna ho sakta utna bhala karo. To theek hai, Twitter family abhi dekh rahi, but main shuru se ye kaam karta hu ki koi bhi needful vyakti agar mere samne aata hai, padhai ka ho chahe medical ho chahe kuch bhi ho, aur mera dil mujhse bolta hai ki tum iski help karo, kyunki 100% logon ki help aap nahi kar sakte ho, to uski main help karta hu. Similarly, when jab ye कोविड कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया, तो मैं बाहर था कंट्री के, अफ्रीका में था, अपनी जॉब जहाँ पे वहाँ पे मुझे एकदम से लगा कि ये टाइम है कि हमें पीपीई, सबसे जरूरी जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, फ्रंटलाइन हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि वो अगर स्वस्थ नहीं रहे तो हम इस युद्ध को, हम इस वॉर को नहीं कर पाएंगे ढंग से, बिकॉज दे आर आवर फ्रंटलाइन वॉरियर्स एंड दे नीड टू ट्रीट द पेशेंट्स, राइट? सो एंड दे वुड, इफ दे गेट इन्फेक्टेड then the whole hospital gets quarantined, and then wo hoga nahi, hamare paas waise hi beds kam hai. So that was the immediate thought which I had. I'm talking of something about 20th March, and that's where we started ki chalo PP, and us samay PP bahut mushkil tha, bante bhi bahut kam the aur logon ko itna dhyan bhi nahi tha, but we procured PP and we started with some 2000 PP which we distributed, and suddenly I realized ki there is huge demand. बिकॉज उस समय तक सब कुछ ऑर्गेनाइज नहीं हो पाया था, ऑर्गेनाइज होते होते करीब 45 दिन लग गए थे जब प्रोडक्शन चेंज हो गए, पीपी बनने लगा भारत में. अब तो मेरे ख्याल से वी आर मेकिंग वन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ पीपी इन द वर्ल्ड, बट उस समय स्ट्रगल थी एंड वी डिड ऑलमोस्ट मोर देन 50,000 पीपी. इनफैक्ट आज भी हम 300 पीपी भागलपुर भेजे हैं. तो द पॉइंट इज दैट वी डिड मोर देन 50,000
pairs of PPE across sets of PPE across India. I think more than 60 hospitals we did over the period of 3 months, what we could. And that was the best thing. For, yeah. 50,000 PPE. That's audiences are all started saying that, thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. And it's a, मैंने भी अब मैं देखा था उस समय तो ये आपने procure कहाँ से किया? इंडिया में हो रहा था उस समय वहाँ? नहीं, हाँ, because नहीं, इंडिया से ही किया, because पहले हमें 2000 फिर 3000 फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउसेस कनेक्ट करने लगे, वो भी सब ट्विटर के थ्रू ही हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन भी सारा ट्विटर के थ्रू ही होता, डिमांड भी सारी ट्विटर के थ्रू ही आती थी, तो इट वाज ऑल स्ट्रक्चर एंड द टीम वाज फॉर्म्ड एंड कई लोगों ने साथ दिए जिनसे मैं अभी तक मिला भी नहीं हूँ, जो हम ट्विटर पे ही मिले हैं और हमने एक टीम बन गई प्रोक्योरमेंट की, कोई सप्लाई कर रहा है, कोई एम्बुलेंस भेज रहा है, एंड देन कुरियर भी बंद थे उस समय, ट्रांसपोर्टेशन मोड भी बंद था, एंड ओनली पोस्टल सर्विसेज वर रनिंग, एंड इट टुक ऑलमोस्ट लाइक 7 days और 8 days or 10 days to reach a hospital. So you can imagine the plight and whatever the team did. It was an excellent job which we did with God's grace, and then we could see the pain. And while doing this, then we realized, are we need ventilators. That's how we invested in ventilators. Then we also realized, of course, that... step, आपने इतना किया है, तो मैं थोड़ा step by step जाऊं. तो PPE आपने 50,000 किया. उसके अंदर आपको देखा कि ventilators, और समय ventilators was a huge problem. क्योंकि हमारी I remember reading an article कि हमारी ventilator to room ratio was pathetic. तो luckily ventilator में आपने कैसे शुरुआत किया? इंडिया में manufacturing हो रही थी उसमें ventilators की? नहीं, उसमें एक ही कंपनी बनाती थी और बाकी सब imported था. तो हम कुछ imported ventilators procure किए थे, काफी महंगे थे, और वो हमने supply किए. उसके बाद एक नई एक टीम हमने सेट की थी जिसमें आईआईटी ग्रुप के लोग थे. मैं मेरे को ट्विटर पे अगेन मेरे दो तीन आईआईटी फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे उस ग्रुप में डाला था. आई वाज लकी इनफ टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप हु देन सेट अप एंड दे हैव नाउ जस्ट फिनिश्ड पूरा डेवलप करके एक इंडिजीनियस वेंटिलेटर दे हैव सेट अप एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट इन अ स्मॉल वे बट देन वी वर्कड ऑन इट एंड देन वी डेवलप्ड एन इंडिजीनियस वेंटिलेटर नाउ बट लकीली as we grew through the corona we realized that it's not ventilator which is important, the other factors are more important and that's why we were saved. So itni zarurat nahi hui jitni hum march mein soch rahe the, so luckily we were not in that position, but now I think we are more stable from the point of view of ventilators. What was the initial cost of ventilators jab aapne isme 6 lakh humne 7 lakh mein procure kiya 4 lakh mein procure kiya but now it is like less than 3 lakhs so half ho gaya roughly cost. पर उस समय तो ग्लोबल शॉर्टेज भी थी, पैनिक हो रहा था, स्टॉकपाइलिंग भी हो रही थी, इंपोर्टिंग फ्रॉम यूरोप एंड यूरोप वाज इन बैड शेप देन, सो दे हैड बैंड फ्रॉम देयर ओन कंट्री, सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोक्योर, वी कुड हार्डली प्रोक्योर 8 वेंटिलेटर्स देन, जो भी था इन्वेंटरी में कंट्री में वो तो कुछ 7 लाख का था, कोई 8 लाख का था, कोई 4 लाख का था, वी कुड प्रोक्योर इट बट देन इट टुक अस टाइम टू प्रोक्योर द इंडियन प्रोड्यूसर्स. What is the situation in India now? Are ventilators easily available? I think two things happened. As I said, ki ek to with the growth of the medicinal treatment plan, we realized that ventilators itne zaruri nahi hai. Because the reason was that ki blood clots and all those things to the blood thinner laga karke and then people were saved. So ventilators ki itni zarurat nahi hai. That was one. And two was of course that over the period of time, then government could procure a lot of ventilators and distribute across the government hospitals. So I'll give you an example of Rajasthan. I was talking to somebody who's overseeing Jodhpur area. I said that not more than 2 patients till date have been used on ventilators in Jodhpur area, Jodhpur Sambhal. पर दिल्ली में तो हर दूसरे दिन सुनने में आता है कि आईसीयू जा रहा है, वेंटिलेटर पे जा रहा है. नहीं, वेंटिलेटर एंड आईसीयू टू डिफरेंट थिंग्स, बट यस ऑफ कोर्स दिल्ली एंड बॉम्बे देयर वर वेंटिलेटर इश्यूज, वी इवन सप्लाइड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एंड ऑल अदर थिंग्स इंस्टेड ऑफ वेंटिलेटर्स, देन वी रियलाइज्ड दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ज्यादा जरूरी हैं, बिकॉज़ ऑक्सीजन और मास्क में नॉन इनवेसिव वेंटिलेटर चाहिए, तो वी देन स्टार्टेड सप्लाइंग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स. आई थिंक आपने मुझे फोटो भी भेजी, शायद मैं उसकी ऑडियंस को दिखा दूं, अगर दिखा पाऊंगा. अगर my production values are not the best to mujhe phone se hi dikhana padega. I found it very interesting. See, I have taken heart from what you have said. Are aapki painting bhi aayegi, audience ko dekhna chahiye. Very talented Manish ji, can you see? He sent his you can't see. And somebody is just commenting that they follow your paintings. Okay, but anyways, what I had to see say was more, yeah. So ye aap dekhiye, jaise Manish ji ne ye clips bheji.
उसके आगे आपको दिखाता हूँ मैं आपको, ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेटेड वन यू आर टॉकिंग अबाउट। No, this is the mask. This is the invasive mask which they wear from the, which is connected to the ventilators. NAV mask okay. Business. इसके आगे वो। ये आपने बेड से रखी है, ऑडियंस को देखना चाहिए। ये देखिए कितने सारे वन सेकेंड बेड्स सेटअप हुए हैं। एंड ओह दिस इज द मील्स। या सो ये अच्छा आपका मैंने देखा था आपने इसमें दो चीजें जो मैं और जाना था माइग्रेंट्स के लिए आपने कैसे ये शुरू किया एंड हाउ वाज इट एग्जीक्यूटेड। देयर वर टू स्टेप्स। वन तो एक तो रेसिडेंट्स भी बहुत लोगों के पास राशन नहीं था, यू नो दोस हु वेयर देयर स्टेबल डूइंग स्मॉल स्मॉल जॉब्स उनके लिए राशन नहीं था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड ऑल। सो दैट वाज वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। सो वी वेयर लुकिंग एट वेज एंड मींस बाय व्हिच ड्राई राशन तक पहुंच सके, खाने का सामान पहुंच सके, आटा घी तेल चावल पहुंच सके, एक तो वो था। सो दैट वी वर वर्किंग ऑन। सेकंड जो रेसिडेंट थे वो खाना नहीं बना सकते थे, छोटे छोटे मजदूर, तो उनके लिए कुकिंग मील्स हमने स्विगी के साथ पार्टनरशिप कर करके हमने करीब 5 सिटीज में वी वर्कड अलोंग एंड वी कुड डू दिस। एंड देन केम द माइग्रेंट्स। व्हेन द माइग्रेंट्स स्टार्टेड मूविंग एंड यू रिमेंबर दैट इज आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1.5 मंथ्स बैक, जब ट्रेन्स जाने लगी एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड ट्रेन्स वर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। सो स्टेशन पे कुछ खाने को था नहीं एंड and it was and that's why we worked along partnered and tried we identified 5 stations across from Mumbai to Bihar route and we're doing our you know packets, food packets, so that koi bhi jo train mein passenger can come down, take the food packets and water and move back into the train. So wo hum work kar rahe the, we were talking of something like 10,000 meals a day for 8 days we did, because wo jo special train chali thi wo kare 8-9 din wo humne kiya tha across 5 stations railway station. 10,000 meals a day you were, how was it? But aap to jaise aap bol rahe the Africa mein hai, so manufacturing, buying, purchasing, you will not believe that we got all from social media and everybody formed a group and everybody was working as if it was their problem. I mean, my, of course, sitting there in Africa, different time zone and putting money was a different task, but then physically people were moving in and the huge team was formed actually. And who were working on stations, who were working on platforms, they set up kitchen outside railway station to cook the meals. I mean, it was amazing. I will write someday about the whole experience, what I had, the amazing friends I got through this process. But you definitely should write on how such a mass relief effort moved yes. by private individuals. It is, yeah. Or maybe since that is your speciality, maybe one day you should direct a short movie on this. That would be, or yes. produce a short movie. That would sure. be very interesting because we need to hear real life good things. Not only academic things, but jo actual hai. Par us samay to ye bhi bahut problem hogi. Bahut log, डरे हुए थे, कॉशियस थे कि इतने लोग जा रहे हैं तो वहां पे उनको ही ना कोरोना वायरस exactly. हो जाए। सो हाउ डिड यू गेट वॉलंटियर्स? दैट वाज अ ट्विटर एफर्ट। हाउ डिड यू फाइंड वॉलंटियर्स? वी हैड टीम्स, वी हैड सम रॉबिनहुड आर्मी, वी हैव पीपल लाइक मिस्टर पांडे, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द होल ट्विटर हैंडल, एंड देन वी हैड ह्यूमन एड इंटरनेशनल टीम, all those teams were working, they had their volunteers and unke liye PP kit alag se, and they were working with that. To tell you sincerely, I have been traveling across the world and been sitting there in Africa watching what was happening in Europe, what was happening in Americas, and what was happening across Asia, and what actually happening in India. I never saw in any other country the amount of social help which people were doing across the country to help people, to feed people, to take care of the people, was unimaginable, and we as India, as Indian citizens, should be proud of what we did in this lockdown time, you know, helping each other one way or other. Till today I see people ready to help each other, whether it's medicines or whether it is helping a family, whether it's financially aiding people or sending rations. Till today people are doing that, and we should be proud of our culture, what we did in this 3-4 months. It was amazing, it was super. I never saw such stories from any other country. Anish, how do you think we are placed now in the sense of, does it still require immense amount of private effort into relief, or you think
it has been taken over by the government, state and central. I'm not being party specific here. Okay, yeah. It has been taken over by governments and they are doing an adequate job or a good job. Or you think there is still a lot of lacunas and state doesn't have the capacity. Itni state mein shamta nahi hai jitna kar pana chahiye because of economics and finances. Yeah, so on PPE, of course, I think almost all the hospitals are now good. State government and the federal government has enough procured PPE, and I think all the hospitals are more or less good. So we don't see any requirement of PPE across any medium. Mm-hmm. As far as movement of migrant workers are concerned, that's also complete. So they've reached their home. Everybody is busy in their own work, and I don't think they are looking for any help. But mm-hmm. of course, if you ask me, the reality is those middle class people, those people whose salaries have cut or who have lost their job, who can't seek help, are the worst hit people. That middle class, they can't come out and say, look, I need ration, or I need to pay the rent of the house, or I need to pay rent of the kid, fees for the kids. They, I think, are the worst hit at the moment. And the financial burden for last 4 months on these middle class people who don't know how to, you know, pay the fees of the school, how to, you know, pay the rent, even for the small offices or the small business, I think they are more impacted now and they need more support now. And government should really work with them to see how they can hold their hands and take them through this process. Absolutely, Manish ji. Agar ye to main apne experience bata raha hoon, mera office ne itni rent deeds ko renegotiate kiya hai. Aur galti kisi ki nahi hai. Kisi ne agar marriage hall liya hua hai, ek example de raha hoon, 10 lakh pe mahine pe. Wo bolta hai, meri to ek shaadi nahi maine host ki. तो मैं 10 लाख रुपए का रेंट कहां से दे दूं? जिसने दिया हुआ है, अब लगता है बहुत अमीर आदमी है, 10 लाख का रेंट पे दिया हुआ है बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स, वो बोलता है मैंने तो आगे इस प्रोजेक्ट में लगाया हुआ है, वो प्रोजेक्ट थम गया है, तो उसने अपने सारे स्टाफ की सैलरी काट दी है, वो बोलता है मैं कहां से दूं? तो ये जो एक विशियस साइकिल बन गया है, ये मिडिल क्लास में, और मैं इसमें बाद में 20,000 रुपए के रेंट की बात कर रहा हूं. देयर इज दिस लेडी हु केम टू मी, विडोड लेडी, ओनली वन प्रॉपर्टी, उससे 30,000 का रेंट आता है, वो रेंट नहीं दे रहा, वो बोलता है खाली करवा लो, नया रेंटल मिल नहीं रहा. सो ये मिडिल क्लास साइकिल तो एक आया है, बट इसमें तो आई थिंक इट रिक्वायर्स मोर ऑफ गवर्नमेंट हेल्प, बिकॉज़ द अमाउंट्स इन्वॉल्वड आर वन ऑफ सो डिफरेंट के प्राइवेट इस पे तो इतनी इजी नहीं है. मनीष जी, लास्ट बात, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं, आप भी बिहार से हैं, सुशांत सिंह राजपूत भी बिहार से, डिड यू एवर हैव अ मीटिंग विद हिम, बिकॉज़ यू आर फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, और मीट हिम, और व्हेन यू हर्ड अबाउट हिम, वेयर वर यू एंड व्हाट वर योर? आई डिड नॉट मीट him because of course you know I don't much live in Bombay. I hardly leave a couple of days in a month and I don't really meet stars and heroes much. Main apne kaam se kaam rakhta hu. So I did not personally meet him, but I used to follow him. I used to like him a lot. When the suicide news came in, I was in London. I was flying back to Nigeria and I was really upset, and I actually got very anxious about it, and I talked to my team, and those 6 hours of my journey in the air from London to Nigeria was very tough. I was that point, and that has impacted me also personally, to be frank, as lakhs of other people. Sabko laga hai, dil pe chot lagi hai, and we're very upset about this. Hopefully he will get justice. Us pe kuch kar rahe hain, but aaj wo topic nahi hai. Thank you so much. Aaj wo topic nahi hai. Manish ji, thank you for your time. Aur aapne jitna ye movies to aap achhi banate hi rahiye, dekhte rahiye, but वे वो आपका प्रोफेशन भी है, पैशन भी है, बट वे मोर इम्पोर्टेंट देन दैट पर्सनली टू मी इज जो आपने इतना आउट ऑफ योर गुडनेस ऑफ योर हार्ट, जो आपने इतना लोगों के लिए राशन का करें, पीपीई का करें, वेंटिलेटर का करें, क्योंकि बोलना बहुत आसान है पर अपनी जेब से निकाल के, समय निकाल के, पैसा निकालना, समय निकालना, आई नो हजार ऑर्गेनाइजेशनल इशूज प्रॉब्लम आई होंगी कि भैया डिलीवरी हो रही है, नहीं हो रही है, कौन पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, बोलना सिर्फ आसान, इट इज नॉट ओनली अ मनी थिंग, द डिलीवरी थिंग इज, जो लोगों ने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं वो समझेंगे कि डिलीवरी थिंग इज ऑफन मोर ऑफ अ हेडेक, बिकॉज मनी तो इज कटिंग अ चेक, देन एग्जीक्यूटिंग इट इज अ मैसिव 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 हेडेक. सो थैंक यू सो मच फॉर योर मनी, टाइम, एफर्ट, एनर्जी, एंड आई रियली वॉन्टेड टू हैव यू हेयर सो दैट ऑडियंसेज हेयर्स अबाउट इंस्पायरिंग पीपल जो इतना इंस्पिरेशनल काम कर रहे हैं, और सिर्फ नेगेटिव चीजों में बहुत बारी हमारे इस माहौल में लोग हो रहे हैं, वो ना हो कि आप जैसे इंस्पिरेशनल लोगों को भी सुने. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच.